बरेली ओटी वेलफेयर सोसाइटी ने 11 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। तेज प्रताप पटेल, क्या मामला है जी? बस क्या मामला है? मामला ये है कि बस हमने ओटी टेक्नीशियन की जो दिक्कतों को और समस्याओं को लेके आज राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन डीएम महोदय के लिए सौंपा है। जो दिक्कतें हैं वो बहुत संगीन और दुखदायी हैं। जैसे कि कोई भी ओटी टेक्नीशियन अगर हॉस्पिटल में होता है तो उसकी एक तो सबसे बड़ी डिमांड है सैलरी की और ड्यूटी आवर्स की, तीसरी है उसके साथ मानसिक शारीरिक प्रताड़ना है, और बाकी उसकी जो ये चीज़ों को भी अगर वो झेल लेता है तो उसके बाद ना तो उसका कहीं क्या बोलते पहचान है ना कुछ है, वो अपने सेल्फ में जाके क्लिनिक तक नहीं खोल सकता। तो हमारी सरकार से क्लिनिक के लिए भी मांग है, ड्यूटी शेड्यूल है, और जो बेचारे संविदा पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनके साथ भी बहुत बड़ा मतलब दुखदा भरा व्यवहार हो रहा है कि वो ड्यूटी तो ओटी टेक्नीशियन की कर रहा है लेकिन उसकी पोस्ट पर कोई जीएनएम एएनएम वो कब्जा जमाए हुई है। संविदा पे है तो सरकार संविदा पे रख सकती, परमानेंट क्यों नहीं कर रही? आप क्या चाहते? मैं चाहता हूँ कि जो भी संविदा पे कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाए, और दूसरा वो दूसरे जिलों में हैं उनको करीब में लाया जाए। एक तो कम तनख्वाह और उनको 200-400 किलोमीटर की दूर पे भेजा गया है तो उनके म्यूचुअल ट्रांसफर भी होनी चाहिए और उनको क्लिनिक खोलने की परमिशन दी जाए। एक ओटी में लगभग 3 ओटी टेक्नीशियन होते हैं अभी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही ओटी टेक्नीशियन को हायर किया गया है जो कि 24 घंटे वो बंदा काम नहीं कर सकता। वो इस वजह से इतना डिप्रेशन में हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि उसके घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ ऑन कॉल जो हमें बुलाया जाता है, हम लोगों ऑन कॉल में क्या होता है कि एक तो पार्ट टाइम हमारा जॉब कराया जाता है, मतलब उसका कोई मनोनंद नहीं दिया जाता। दूसरी चीज़ अगर हमारे साथ में ऑन कॉल पे अगर हमें इमरजेंसी बुलाया जाता है, अगर उसके साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, ना तो उसका कोई इंश्योरेंस है, ना तो कोई प्राइवेसी है कि हाँ भाई उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब कोई मैनेजमेंट हमारे लिए कोई साथ नहीं देता। तो बस यही रिक्वायरमेंट हमारी कि जो आ रहे हैं ऑन कॉल है, जो परमानेंट जॉब पे है, मतलब तो कम से कम उनका 10 लाख का या 50 लाख का इंश्योरेंस भी होना चाहिए, जैसे कि अगर उसके साथ कुछ होता है तो वो मतलब उसके फैमिली वाले भी छोड़ के जाते हैं।